पहाड़ की खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। शुरुआत करते देहरादून से। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज कार्यक्रम है, लगभग 11:30 बजे श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचेंगे सीएम। ब्रह्मलीन देवेंद्र स्वरूप की अष्टादश पुण्यतिथि, जयराम आश्रम भीमगोड़ा में वो पहुंचेंगे। हरिद्वार में कार्यक्रम में भी वो उपस्थित रहेंगे। प्रसिद्ध गुघाल मेले में हिस्सा लेने पहुंचेंगे सीएम धामी। और बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, त्रिवेंद्र रावत जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके उत्तराखंड के, इसके अलावा धन सिंह रावत और प्रेमचंद्र अग्रवाल भी दिल्ली पहुंचे हैं। राज्य में चल रही राजनीतिक उठापटक के बीच ये बड़ी खबर, दिल्ली दौरे पर ये तमाम नेता पहुंचे हैं। बीजेपी के बड़े नेताओं का दिल्ली दौरा चर्चा का विषय बन गया। कल ही आपको बता दें कि जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंचे थे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत, और आज भी तमाम नेता पहुंचे हुए दिल्ली डेरा डाल चुके हैं। पंकज हमारे साथ मौजूद है। पंकज, ये उत्तराखंड में चल क्या रहा है? तमाम बीजेपी नेता जो सहज स्थिति में दिख नहीं रहे हैं, कैसे संभावनाएं रहेंगी फिर 2024 के लिए अगर इस यही स्थिति रही? पंकज आपको मेरी आवाज मिल रही है? पंकज से फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो तमाम बीजेपी के बड़े नेता दिल्ली में मौजूद हैं और देखिए किस तरह से जुबानी जंग से आलाकमान भी पूरी तरह से असहज नजर आ रहा है। कल भी त्रिवेंद्र रावत पहुंचे थे दिल्ली, जगत प्रकाश नड्डा से उन्होंने मुलाकात की थी, और आज भी तमाम ऐसे जो उत्तराखंड से नेता हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। और अब इन्हीं बीजेपी नेताओं का दिल्ली पहुंचना भी चर्चा का विषय बन चुका है राजनीतिक उठा पटक के बीच ये दिल्ली दौरा। और पंकज पवार हमारे साथ जुड़ गए एक बार फिर से। पंकज, इतनी असहजता, कल भी मुलाकात की त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिल्ली में जगत प्रकाश नड्डा से, और आज भी तमाम नेता दिल्ली में डेरा डाल चुके हैं, क्या माहौल है? जिस तरीके से विधानसभा भर्ती का मामला सामने आया था और उसके बाद जो तलखी बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व में नजर आ रही थी, और जिस तरीके से प्रेमचंद अग्रवाल का बयान जब सामने आया कि हाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ और जो किया हाँ मैंने किया, अपने परिजनों को लगाया, तो ये तमाम चीजें जो थी उसने बहुत रिएक्टिव काम किए हैं उत्तराखंड में, और कहीं ना कहीं अब हो सकता है कि कुर्सी भी दांव पर लग जाए और हो सकता है पार्टी आला कमान। पंकज, ये माहौल अगर देखा जाए तो जब भी चुनाव होते हैं उसके बाद इस तरह की स्थितियां हर साल कमोबेश बन जाती है सियासत में। देखिए बीजेपी में तो ये बनती है, लेकिन ये मुख्यमंत्री पद के लिए ज्यादा बनती है। हाँ। लेकिन समय की स्थिति ये है कि एक मंत्री को हटाने के लिए, या फिर अगर कहा जाए तो कल जिस तरीके से तीरथ सिंह रावत का भी बयान प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ आया, तो इस समय ये कहा जा रहा है कि अगर आपने अभी फैसला नहीं लिया तो फिर एक बड़ा रिएक्शन जो है वो देखने को मिलेगा। ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। आज त्रिवेंद्र सिंह रावत की प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हो सकती है। इसके अलावा धन सिंह रावत दिल्ली में पहुंच गए हैं, प्रेमचंद अग्रवाल को दिल्ली तलब कर लिया गया है, तो चीजें कई हैं जिन पर चर्चा हो रही है। और पार्टी आलाकमान जिस तरीके से ये विधानसभा वाला भर्ती वाला मामला हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं कोई रेवड़ नहीं बटेगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो फ्री की जो राजनीति है, भाई भतीजावाद की बात है। पंकज आप बने रहिए हमारे साथ और अगली खबर दे